हेलो एवरीवन, आज हम बात करने वाले हैं स्टैंडर्ड फिफ्थ इंग्लिश मीडियम, उसमें हमारा सब्जेक्ट है ईवीएस और चैप्टर नंबर 16 लुक लर्न एंड एक्सपीरियंस। ठीक है, यानी कि देखो उसके बारे में जानो और एक्सपीरियंस करो, ठीक है, अनुभव करो। चलो देखते हैं राइट में। इन योर क्लासरूम एंड एट होम यू सी अ मेनी थिंग्स, सम ऑफ देम आर लिस्टेड हियर। ठीक है, तो आपके क्लासरूम में और आपके घर में कई सारी ऐसी चीजें जो आपने देखी हुई है, तो चलो देखते हैं उसमें। जैसे कि चेयर है, तो चेयर, ठीक है, वो किससे बनी हुई है, तो वुड है, प्लास्टिक है और आयरन से बनी हुई है। अब बात करते हैं डोर की, तो डोर किससे बना हुआ है, तो डोर है वो तो वुड से बना है, प्लास्टिक से बना है, आयरन से बना है। ठीक है, आगे देखते हैं चपाती, ठीक है, यानी कि रोटी, तो रोटी किससे बनी हुई है, ठीक है, फ्लो ऑफ व्हीट, ठीक है, और वाटर से बनी हुई है। अब बात करते हैं स्पेक्टिकल्स, ठीक है, स्पेक्टिकल्स यानी कि जो चश्मे होते हैं, वो किससे बने हुए हैं, वो तो जो कांच आता है, ठीक है, ग्लास आता है वो, और प्लस प्लास्टिक से बने हुए हैं। बकेट्स, ठीक है, बकेट्स यानी डॉल, वो प्लास्टिक हो तो आयरन से बनी हुई है। स्पून, स्पून यानी कि चम्मच, चम्मच किससे बनी हुई है बच्चों, तो चम्मच है वो स्टील से बनी हुई है। फिर है शूज, तो शूज किससे बने हुए हैं, शूज है वो जो धागे आते हैं उसके, फिर उसके साथ, फिर जो जूट आते हैं उसके साथ बने हुए हैं, रबर के साथ और प्लास्टिक के साथ भी बने हुए हैं। ओके, अब देखते हैं जो बुक्स, बुक्स किससे बनी है, तो बुक से वो पेपर से बनी हुई है, ठीक है, गम से बनी हुई है, और जो हार्ड पेपर आते हैं उससे बनी हुई है। ओके, अब देखते हैं यहाँ पे कुछ लिखा हुआ है। द मैटर ऑफ व्हिच द अबाउ मेंशन्ड थिंग्स आर मेड इज कॉल्ड सब्सटेंस। ठीक है, जो भी आपने यहाँ पे लिखा हुआ है ना मैटर में, वो सारी चीजें को हम क्या कहते हैं, तो उसको कहते हैं सब्सटेंस। ठीक है, अब देखते हैं एन सर्कल व्हिच हैज वेट और मास। ठीक है, हमें जो भी हैवी चीजें हैं ना, उसको हमें एन सर्कल करना है, ठीक है, यानी कि राउंड करना है। वाटर, तो वाटर कितना हैवी होता है, ठीक है, फिर ब्रिक्स यानी कि ईंटें भी हैवी होती है, बैग भी हैवी होती है, केरोसिन हैवी नहीं होता, स्मोक हैवी नहीं होता, आइस हैवी होती है, ठीक है, इंसान हैवी हो सकता है, मिल्क हैवी होता है, जो वीट है वो भी हैवी होता है, पत्थर है वो भी हैवी होता है, साथ साथ बात करें तो जो आयरन है वो भी हैवी है, प्लास्टिक पॉइंट हैवी नहीं होता, लेकिन वुड भी हैवी होता है। ओके, आगे देखते हैं एक्टिविटी में। तो बच्चों एक्टिविटी में क्या करना है आपको ना, कई सारी चीज़ें जैसे कि जो लीफ है, नेल है, ठीक है, नेल यानी कि जो खिल्ली आती है उसको, साथ साथ जो वाटर रहता है, इरेजर है, चौक है, उसको कलेक्ट करके क्या करना है, उसका शेप है वो यहाँ पे डिज़ाइन करना है। ठीक है, जैसे कि ये है इरेजर, ओके, ये है शार्पनर, इस तरह से आपका शार्पनर बन सकता है। ठीक है, यहाँ पे मेरे पास अच्छी पेन नहीं, इसलिए नहीं बन सकता है ठीक से। अब देखते हैं इट इज़ अ ट्रू, तो चलो देखते हैं क्या ये सच है। एवरीथिंग इज मेड ऑफ मैटर, तो हर चीज़ें वो मैटर से बनती है। ठीक है, मैटर यानी कि सब्सटेंस। एवरीथिंग हैज अ वेट और मास, हर चीज़ों के पास वेट और मास होता है। आगे देखते हैं एवरीथिंग ऑक्यूपाई स्पेस, हर चीज़ें वो स्पेस को ऑक्यूपाइड करती है। एयर ऑक्यूपाई स्पेस, एयर इज अ वेट, ठीक है, तो एयर है वो भी जगह रोकती है, और एयर के पास भी अपना खुद का वजन है। ओके, तो ये भी हम कह सकते हैं। अब देखते हैं एक्टिविटीज में। टेक अ थ्री ट्रांसपेरेंस ग्लास एंड थ्री ट्रांसपेरेंस बाउल, आपको क्या करना है, तीन ट्रांसपेरेंस ग्लास लेने हैं जिसके हम आर पार देख सकते हैं, और तीन ऐसे बाउल भी लेना है, और फिर क्या करना है, फिर हमें फिल वाटर स्टोन एंड स्मोक इन डैम एंड ऑब्जर्वर, आपको क्या करना है, एक में पानी भरना है, एक में पानी भरना है, एक में पत्थर रखना है, और एक में क्या करना है, सिर्फ स्मोक भरना है यानी कि धुआं भर देना है। अब आगे देखते हैं पुट राइट टिक फॉर द सब्सटेंस व्हिच टेक अ शेप ऑफ इट्स कंटेनर एंड फॉल्स फॉर द वन दैट डज नॉट चेंज इट्स शेप। अब हमें क्या करना है, अगर जो भी चीजें हैं जिस भी हमने पात्र में डाला हुआ है ना, उसका शेप धारण करती है, ठीक है, वो बन जाती है ना, तो उसके सामने हमें राइट करना है। अगर वो नहीं बन पाती तो उसके सामने हमें क्रॉस करना है। जैसे कि पानी को हम ग्लास में रखेंगे तो वो ग्लास का शेप टेक करता है, तो हाँ करता है, ठीक है, यानी कि राइट आएगा। वो बाउल का शेप टेक करता है तो हाँ वो भी बन जाता है। स्टोन करता है, स्टोन नहीं बनता है, स्मोक बन जाता है, हाँ स्मोक दोनों बन जाते हैं।
है। अब चलो देखते हैं कि कौन आकार नहीं बदलता है। तो पानी आकार नहीं बदलता है, तो नहीं, पानी तो आकार बदलता है, स्मोक भी बदलता है, तो आकार कौन नहीं बदलता है, तो वो स्टोन नहीं बदलता है। तो इस तरह से हमारा आंसर आएगा। ओके, अब देखते हैं रीड एंड राइट में। इन द टेबल नेम ऑफ सम सॉइल लिक्विड एंड गैसेस सब्सटेंस आर रिटन, यू राइट अ फ्यू मोर नेम्स। तो हमारे सामने कुछ चीज़ें दी गई है, ठीक है, जिसके सब्सटेंस है, तो हमें और भी सब्सटेंस को ऐड करना है। जैसे कि मिल्क दिया गया है, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं जूस, ठीक है, यहाँ पे हम लिख सकते हैं बटर मिल्क, कैरोसिन लिख सकते हैं, शरबत लिख सकते हैं, पेट्रोल के बाद ऑयल लिख सकते हैं, ठीक है, डीजल भी लिख सकते हैं, साथ साथ बात करें तो ब्लड है, ठीक है, कढ़ी है, और जो दूध पाक है वो भी हम लिख सकते हैं। जो भी लिक्विड चीज़ से बना हुआ है ना, वो हम लिखना है। अब देखते हैं जो सॉलिड सब्सटेंस यानी कि जो हार्ड चीज से बना हुआ है वो लिखना है, जैसे कि इरेजर है, ठीक है, हमारी स्केल है जिसको रूलर भी कहते हैं वो है, ठीक है, शार्पनर है, कोई बोतल है, पत्थर है यानी कि स्टोन है, बॉल है, ठीक है, नोटबुक है, जो भी आपके सामने हार्ड फॉर्म में दिखे ना वो आप लिख सकते हो यहाँ पे। ओके, और अब हमें लिखना है थर्ड वन कि जो किससे बना हुआ है, तो स्मोक से बना हुआ है, ठीक है, या जिसमें धुआं हो यानी कि स्टीम, स्टीम यानी कि वरार लिख सकते हैं, ठीक है, स्टीम, STIM, स्टीम, फिर ऑक्सीजन, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन, कार्बन मोनोऑक्साइड, ठीक है, फिर जो गैसेस आती है वो, ठीक है, रेस्पिरेशन एयर, नेचुरल गैस, हीलियम गैस, ठीक है, तो इस तरह से हम लिख सकते हैं। आगे देखते हैं बच्चों राइट में, हमें कुछ यहाँ पे सब्सटेंस दिए गए हैं जिसको हमें क्या करना है, हमें डिफरेंट में पार्ट करना है। जैसे कि जो नमक है वो हार्ड फॉर्म में आता है, जो लेदर है, ठीक है, वो भी हार्ड फॉर्म में आता है, फिर जो मिल्क है वो क्या आएगा, वो लिक्विड में आएगा, फिर एयर है, फिर चारकोल है, ठीक है, तो चारकोल भी हार्ड फॉर्म में आता है। तो इस तरह से आपको डिफरेंट करने की कोशिश करना है, ठीक है। अब आगे देखते हैं बच्चों, राइट, ठीक है, कौन सी चीजें किस में से बनी हुई है वो लिखना है। जैसे कि पैंट है वो किससे बनी हुई है, कॉटन या तो जो क्लॉथ है वो कहा जाता है, और कॉटन में से बनी हुई है, ठीक है, और वो जो प्लांट्स है ना उसमें से मिलता है। टेबल है, टेबल कहाँ से, टेबल किससे बनता है, तो टेबल है वो वुड और आयरन से बनता है, और वो भी कहाँ से मिलता है, प्लांट से मिलता है। बेल्ट, बेल्ट है वो लेदर से मिलता है और बनता है, और लेदर हमें एनिमल से मिलता है, तो आंसर यहाँ पे आएगा एनिमल्स, ठीक है, और यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे आएगा लेदर। ओके, जैसे कि घी है, घी है वो मिल्क से बनता है, और वो काउ और बफेलो के मिल्क से बनता है, और एनिमल से मिलता है। पेट्रोल, पेट्रोल हमें पेट्रोलियम से मिलता है, और डायरेक्ट लाइन से ही मिल जाता है। तो इस तरह से सारी चीज़ें हमें कंप्लीट करने की कोशिश करनी है, ठीक है। तो चारकोल है वो भी हमें पेट्रोलियम से मिलता है, वो भी डायरेक्ट लाइन से मिलता है। ओके, अब देखते हैं रीड में, वी गेट एवरीथिंग फ्रॉम अवर एनवायरमेंट, इफ वी डोंट गेट ऑल दीज थिंग्स देन वी वुड हैव टू फेस मेनी ट्रबल्स, सो वी मस्ट प्रोटेक्ट अवर एनवायरमेंट, वी मस्ट यूज दीज नेचुरल रिसोर्सेज जुडिशियरली। अब क्या होता है कि बच्चों ये सारी चीज़ें हैं ना वो हमें नेचुरल से मिल जाती है, और वो भी फ्री में मिलती है, लेकिन अगर हम इसका अच्छी तरह से संभाल के यूज़ नहीं करेंगे ना, तो क्या होगा कि ये सारी चीज़ें जल्दी ही ख़त्म हो जाएंगी, और फिर क्या होगा कि हमारी लाइफ में प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम होगी। तो इस तरह से हमें क्या करना चाहिए, इस सारी चीज़ों को अच्छी तरह से संभाल के ही यूज़ करना चाहिए। अब देखते हैं थिंग्स सब्सटेंस, जैसे कि मिल्क्स, ठीक है, तो उसका नेचुरल रिसोर्सेज क्या है, मिल्क है वो कहाँ से मिलता है, तो एनिमल से मिलता है। आयरन का नेचुरल रिसोर्सेज लैंड है, राइस का भी लैंड है। पानी कहाँ से मिलता है, तो रेन से मिलता है। क्लॉथ है वो कहाँ से मिलते हैं, तो प्लांट से मिलते हैं। ऑक्सीजन एयर में से मिलता है। पेट्रोल वो पेट्रोलियम है, ठीक है, जो लैंड है वहाँ से मिलता है। और जो स्टीम, ठीक है, वो हमें कहाँ से मिलती है, तो सनराइज में मिलती है, ठीक है, सूर्य से मिलती है। आगे देखते हैं रीड में, तो यहाँ पे जो आयरन, राइस और क्लॉथ है वो सॉलिड सब्सटेंस है, मिल्क वाटर पेट्रोलियम है वो लिक्विड है, स्टीम ऑक्सीजन और स्मोक है वो गैसेस सब्सटेंस है। तो इसी के साथ बच्चों हमारा यूनिट नंबर 16 यहाँ पे कंप्लीट होता है, ठीक है, और हमें यहाँ पे एक अच्छी सी पोएम भी दी गई है, तो मैं चाहता हूँ कि आप उसको अच्छी तरह से रीड करने की कोशिश करें। ओके, तो नाउ 16 चैप्टर यहाँ पे कंप्लीट होता है, लुक लर्न एंड एक्सपीरियंस। चलो आप आगे देखते हैं हाउ मच
हैव यू लर्न फाइव? ओके, तो आप एक्चुअली में पूरे यूनिट में से, यानी कि पूरे जो दो तीन यूनिट है उसमें से क्या सीखे हो ना, वही आपको यहाँ पे बताना है। जैसे कि आपको अपने के डिस्ट्रिक्ट का नाम लिखना है, तो मैंने आपको शुरुआत से बनासकांठा के बारे में पढ़ाया है, तो मैं यहाँ पे बनासकांठा लिखूंगा। बनासकांठा है, उसमें कितने तालुके हैं, तो उसमें 82 जो गांव है वो आए हुए हैं, तालुका से आए हुए हैं। ठीक है, जो ग्राम पंचायत है उसका मेन काम क्या है, तो वो हमने पहले यूनिट में भी देखा हुआ था कि जो गांव के रास्ते है, ठीक है, जो पब्लिक रोड है, पब्लिक जो वेल्स है उसको बनाने का काम है। ठीक है, हर घर में पानी मिलना चाहिए, हर घर में जो बेसिक चीज़ें हैं, ठीक है, जो गवर्नमेंट प्रोवाइड करती है वो अच्छी तरह से मिलनी चाहिए। आगे देखते हैं। ठीक है, आपको अपने यहाँ पे नंबर 4 में कॉर्पोरेटर होता है, जो गांव का, ठीक है, जो तालुका का, उसका नाम लिखना है। तो आप अभी के जो कॉर्पोरेटर हो गए बनासकांठा के, ठीक है, उसका नाम लिखने की कोशिश करना। ठीक है, गूगल में से इजीली मिल जाएंगे। राइट द नेम ऑफ हेड ऑफ योर तालुका पंचायत या तो म्यूनसिपालिटी ऑफ योर एरिया। ठीक है, तो आपको क्या करना है, आपको जो तालुका पंचायत है ना उसकी जो हेड होता है, उसके जो प्रेसिडेंट होते हैं ना, उसका नाम लिखना है, और म्यूनसिपालिटी के जो हेड है उसका नाम लिखने की कोशिश करना है। ओके, ठीक है, अब आगे देखते हैं। क्लासीफाई में क्लासीफाई करना है हमें, ठीक है, कि कौन सी चीज़ें हैं वो एक्सीडेंट है और कौन सी डिजास्टर है। जैसे कि जो फायर है वो एक्सीडेंट है, ठीक है, जो रोड एक्सीडेंट है वो भी एक्सीडेंट में ही आता है, फिर हमें कैट को पकड़ना है वो भी एक्सीडेंट पे आता है। ठीक है, फिर सस्टेन बर्न है, ठीक है, यानी कि जल जाना वो भी एक्सीडेंट है। ठीक है, गेट इलेक्ट्रोक्यूटेड यानी कि करंट लगना वो भी एक्सीडेंट है। स्लिप ऑन बनाना पील्स, ठीक है, यानी कि जो केले की छाल आती है ना, छिलका आता है ना, उसके ऊपर हम गिर जाते हैं तो वो भी एक्सीडेंट है। फिर साइकिल में से हम गिर जाते हैं तो वो भी एक्सीडेंट है। और जबकि डिजास्टर कौन सी है, तो जो फ्लूड है, ठीक है, साइक्लोन है, एपिडेमिक है यानी कि जो रॉक चढ़ा है, ठीक है, जो ड्रफ है वो भी है, अर्थक्वेक है और सुनामी है, तो इतने सारे डिजास्टर हैं। तो बच्चों अब हमें फिल इन द कलर करना है, कलर करना है किस में, ठीक है, तो ये सारी चीज़ों को मिक्स करना है। जैसे कि आयरन है, ठीक है, तो आयरन क्या है, ठीक है, आयरन हमें कहाँ से मिलता है, तो आयरन हमें लैंड से मिलता है। फिर बटर है, तो बटर हमें एनिमल से मिलता है। और वाटर है, तो वाटर हमें रेन से मिलता है। अब देखते हैं, जॉइन द थिंग्स टू देयर नेचुरल रिसोर्सेज थ्रू द सबटेंस ऑफ देयर ओरिजिन। अब हमें क्या करना है, सेंटेंस है उसको जोड़ना है। जैसे कि सीमेंट है वो कपची से बनती है और खड़क से मिलती है, और खड़क हमें लैंड से मिलता है। शुगर है, ठीक है, तो शुगर हमें यानी कि जो चीनी है वो हमें पहले कहाँ से मिलेगी, शुगर केन से, यानी कि जो सरडी आती है उससे मिलती है, और सरडी हमें कहाँ से मिलेगी, फार्म से मिलेगी, और फार्म कहाँ पे होता है, लैंड पे होता है। अब बात करें स्वीट्स, पेंडा, ठीक है, कुछ लोगों को पेंडा बहुत ही पसंद होता है, ठीक है, मीठा खाने का, तो जो खाने का पेंडा आता है वो कहाँ से, किससे बनता है, तो वो मिल्क से बनता है, और मिल्क कहाँ से आता है, तो एनिमल से आता है। ठीक है, यानी कि जो काउ और बफेलोस होते हैं उसके। अब बात करते हैं स्वेटर, स्वेटर कहाँ से मिलता है, स्वेटर किससे बनता है, तो स्वेटर हमें जो नायलॉन आता है ना उससे बनता है। और नायलॉन कहाँ से मिलता है, तो हमें जो शीप्स आती है, ठीक है, उससे बनता है। चेयर की बात करें तो चेयर है वो वुडन से मिलती है, और वुड है वो हमें ट्री से मिलता है, और ट्री है वो हमें प्लांट से मिलता है। तो इस तरह से हम हमारा जो हाउ मच है वो कर सकते हैं। अब देखते हैं आगे, अराउंड अस में नेम ऑफ योर विलेज, विलेज का नाम लिखना है। ठीक है, तो रूपपुरा हमने नाम लिखा हुआ था पहले के सेमेस्टर में, ठीक है, तो उसी तरह से कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, और ये सारा टेबल हमने पहले भी देख लिया हुआ है कि गांव में किस जगह पे भीड़ सबसे ज़्यादा होती है। ठीक है, तो जो महादेव का टेम्पल होता है वहाँ पे, रमत गमत का जो मैदान है वहाँ पे होती है, शाक मार्केट होता है वहाँ पे होती है। जो गांव में कहाँ सबसे ज़्यादा क्राउड सीन होता है, तो एक तो जो मेला लगता है वहाँ पे, और जो थिएटर होता है ना वहाँ पे, और गांव में सबसे छोटा फैमिली है, ठीक है, स्मॉल फैमिली है वो किसका है, तो कोई भी हम नाम लिख सकते हैं। ठीक है, और एक बार आप ये रीड करने की कोशिश करना। ठीक है, जैसे कि जो तुषा है और जो दुर्ग है, ठीक है, वो दोनों ही आज ही शहर से गांव में रहने के लिए आए हुए हैं। ठीक है, यानी कि वो वहाँ पे आए हुए हैं, और जो उसके अंकल है जिसका नाम है जगदीश अंकल, ठीक है,
वो भी गांव के बाहर उन दोनों बच्चों को लाए हुए हैं, ठीक है, गांव घुमाने के लिए। और गांव में एक जगह लोगों की लंबी लाइन लगी चुकी है, ठीक है, और वो बच्चे कुछ पूछते हैं। तो इस तरह से आप उसके क्वेश्चन के आंसर देने की कोशिश करना। और उसी के साथ बच्चों हमारा सेमेस्टर टू यानी कि लेक्चर नंबर 16 प्लस हाउ मच हैव यू लर्न के साथ कंप्लीट होता है। थैंक यू।